प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, एक्टिंग आर्ट एकेडमी के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है रिलैक्स अर्थात सहज। इस तीन सारे तीन अक्षर का जो शब्द है, इस शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है आपके अभिनय में, आपके अभिनय जिंदगी में, आप अभिनेता बनने के लिए। और अच्छा अभिनेता बनना चाहते हो या उसको बनाए रखना चाहते हैं तो रिलैक्स होना बहुत ही जरूरी है। और खासकर एक अच्छे अभिनेता को पूरी उम्र रिलैक्स नहीं रहना चाहिए। और जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़े, बुक पढ़े या किसी से बातचीत करें तो आपका पूरी तरह से ध्यान, मन, शरीर आपका वहीं पर होना चाहिए जहां पे आप हैं। जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो उस समय आपकी ध्यान बिल्कुल केंद्रित होना चाहिए, मन, मस्तिष्क, शारीरिक तौर पे पूरे उसी पे शब्दों के ऊपर केंद्रित होना चाहिए कि शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का क्या उद्देश्य है, इस घटना, इस सेंटेंस का क्या उद्देश्य है और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, रस भाव क्या होगा और इसमें पात्र का क्रियाकलाप क्या होगा, पात्र का उम्र क्या होगा, अर्थात पात्र चित्रण क्या होगा। जब आप अच्छे से इसको पढ़ते हैं रिलैक्स होके तो आपके आंखों के सामने पात्र चित्रण होने लगता है जिसे आपको प्ले करना है, जिसे आपको प्ले करने में आसानी हो, उसका रस भाव, पात परिवेश, बोलचाल, गतिविधि, क्रियाकलाप, उद्देश्य, फिल्म, ये सब मालूम चलेगा और तब जाके आप उसको प्रस्तुत करेंगे तो अक्षरशः आप उस अभिनय जिस पात्र का प्रस्तुत कर रहे हैं वही बात वहां पे दिखेंगे। कहते हैं कि जितनी गहराई में जाओगे समुद्र के उतना ही अच्छे से अच्छा मोती लेके आओगे। तभी मोती मिला था, तभी मोती मिलेगी आपको। तो दोस्तों, रिलैक्स रहकर आपको स्क्रिप्ट का तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करना है और रिलैक्स रह के प्रस्तुत करना है। रिलैक्स रहेंगे तो स्क्रिप्ट तो हो गया, तैयारी होगी। अब आपको डायरेक्टर ने जो सीट समझाया है उसको भी अक्षर से दिमाग में उतार लेना है और ये ध्यान रखना है इससे अच्छा हम और कैसे करें, डायरेक्टर के विजन को अपने विजन से मिक्स करके और अच्छा कैसे बनाओ। जब आप प्रस्तुत कर रहे होंगे कैमरे के सामने या मंच पर तो उस समय आपके पास को एक्टर होंगे, आपके साथ सामने बहुत सारे प्रॉपर्टीज होंगे, लाइट, इन सारी चीजों को देखना है। ये तब होगा जब आप रिलैक्स रहेंगे और रिलैक्स रह के जब प्रस्तुत करेंगे आप तो उसका प्रभाव आपके दर्शक पर पड़ेगा और दर्शक एक अच्छा अभिनेता के रूप में आपको चिन्हित करेंगे, आपका स्वागत, आपको अवार्ड तालियां बजा कर देंगे। इसलिए पूरी जिंदगी जब भी अभिनय करे या किताब पढ़े या कोई भी कार्य करे तो रिलैक्स करके करें। अगर रिलैक्स नहीं है तब तो नुकसान ही नुकसान और अच्छा अभिनेता कहलाने का आपका आपको अक्षरशः हक नहीं है। और मैं क्या बोलूं, जो आपके दर्शक होंगे वही आपको डिसअपॉइंट करेंगे, आपको थू करेंगे, हो सकता है गालियां, हो सकता है उल्टे सीधे क्रिटिसाइज करें आपके ऊपर। तो दोस्तों, रिलैक्स है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बा अदब, बा मलाइका, खुदा के राह के रहनुमा, खलीफाओं के मददगार, मुगलिया सल्तनत
वो चढ़ाग और अंधे तशरीफ ला रहे हैं। कितना अच्छा सबने प्रस्तुत किया, न थकान हो न घबराहट हो न डर हो न आवाज लड़खड़ाए न शरीर में कंपन हो। दोस्तों अगर रिलैक्स नहीं है ठीक, इसका अपोजिट होने वाला है। रिलैक्स आप इसलिए नहीं है यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए, क्योंकि जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा है, डायरेक्टर को जब आपको समझाया, तब आपकी मन और मस्तिष्क शरीर वहां पे नहीं था जहां पे आपको होना चाहिए था। तो अगर तो आपने स्क्रिप्ट को ठीक से समझ पाए हैं, न उसकी संवाद को समझ पाए, न संवाद को याद कर पाए, न डायरेक्टर को जो शब्द कहे थे उसको आपने अपने मस्तिष्क में सेव कर पाए, क्योंकि मन तो कहीं और विचरण कर रहा था। कहते ना, माला तो करने फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और मनुआ तो दिश फिरे, यह सुमरन होत नहीं। अर्थात आपको जो करना था, जो करने के लिए आप आए हो, वहां पे आपका ध्यान नहीं, जो हो चुका है या जो होने वाला है उसके ऊपर आपका मन भटक रहा है। इसलिए दोस्तों जब रिलैक्स नहीं रहेंगे और रिलैक्स संवाद लेके जब अभिनय करने जाएंगे आप, तो आपको सुना तो संवाद याद होगा, संवाद याद भी होगा तो थोड़ा याद होगा, फिर सोचेंगे इसमें किसने क्या हुआ कि आपकी आवाज लग रहा है, चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं आना है, सामने वाले एक्टर जो आपको को एक्टर है वो कब डायलॉग बोल गया पता नहीं चला, अब आपको और किसने क्या कह दिया पता नहीं चला। जब आपकी बारी आई आप मालूम नहीं चले क्या हमें करना है, उसमें क्या होगा आवाज लग रहा है, हाँ फिर आप चक्का जाएंगे, हाँ। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप मुगल या सल्तनत के आखिरी कस्मत चिराग, खुदा के राह के रहनुमा, खलीफाओं के मददगार, औरंगजेब तशरीफ ला रहे हैं। आप करेंगे मूवमेंट में आपको कितना करना है, किस संवाद के वेरिएशंस लेने हैं, किस संवाद को स्पीच हाई रखना है, किस शब्द के ऊपर स्पीच आपको लो रखना है, ए फ्लैट बोलेंगे डेर चीजें करना, और जो अच्छी अभिनेता के लिए नुकसानदायक है जहर है, और अच्छे अभिनेता आप बन नहीं सकते। और ये रहा तो, और इसका हम क्या बोलेंगे, मैं क्या बोलूं, ये तो आपके सामने देखने वाले दर्शक जो है, जो हमारे माता पिता है, हमारे लिए सब कुछ है, वो आपको तुरंत रिजल्ट सुना देंगे। आप दोस्तों रिलैक्स रहिए तो आपके अंदर डर झिझक घबराहट नहीं आना, क्यों नहीं आना है, क्योंकि आप जब प्रिपेयर है हमें क्या बोलना है, कैसे करना है, किस बात को कैसे, संवाद को कैसे बोलना है, ये सारी चीज कि कब मूवमेंट लेना है, कब हमको क्या अपने को एक्टर के ऊपर रिएक्शन देना है, सारी चीज याद रहेगा, सारी चीज आपके दिमाग में कंट्रोल, दिमाग में सेव रहेगा, उसी के हिसाब से आप काम करेंगे। तो पात्र चित्रण के लिए एक अभिनेता को रिलैक्स रहकर स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, और जब रिलैक्स रहकर स्क्रिप्ट पढ़ा तो क्या करना है, कैसे करना है, इसका प्रिपेयर भी रिलैक्स रहकर किया, जब प्रिपेयर रिलैक्स होकर अच्छे से किया तो प्रस्तुत करण जब भी करें बिल्कुल अक्षरशः जो आपने पढ़ा है समझा है उसे उतारिए। उस समय लगना चाहिए कि आप टप्पू या मुकेश या गीता या रीता नहीं, आप उस समय विवेक हैं, उस समय आप कामनी हैं, उस समय आप तुलसीदास हैं, उस समय आप चौपट राजा हैं, वो लगना चाहिए, तभी आप एक अच्छी अभिनेता का रूप में आगे जाएंगे। अब ऊपर है तो बनाए रखने के लिए भी जरूरी है, और दर्शक तो हमारे माता पिता है, और दर्शक ही हमारे सब कुछ है, और उसने हमको निग्लेक्ट कर दिया तो खत्म। इसलिए दोस्तों जब भी आप अभिनय करने जाए, जब भी स्क्रिप्ट पढ़े, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रिलैक्स रह के करें, रिलैक्स रह के करेंगे तो अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे, शब्द भाव रस घटना उद्देश्य पात्र चित्रण परिवेश सबको अपने दिमाग में
कि हार्ड डिस्क में सेव करके करेंगे तो धीरे धीरे आप अच्छा बेटा की ओर बढ़ते जाएंगे और है तो और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज का टॉपिक कैसा लगा? हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक्टिंग आर्ट्स एकेडमी के नंबर आपके उसमें मिलेगा, उस पर कॉल करके आ सकते हैं। धन्यवाद।